सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, NCDEX पर किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी बंदी नजर आ रही है और उस पर हमारे जानकार हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, और शाम का कारोबारी सत्र में कृषि फसलों के वायदा बाजार पर अपडेट देने के लिए और आगे मंदी तेजी बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं SMC के रिसर्च एसोसिएट रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे MCV पर। धन्यवाद जी। रविंद्र जी, हमने हाल ही में एग्री कम्युनिटीज़ में अच्छे लेवल्स आते हुए देखे हैं कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें बिनौला खल मसाले हुए, काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट कैसा सीड भी, अगर कैसे की बात करें तो कैसे सीड भी 6000 के ऊपर जाता हुआ नजर आया था, लेकिन अब देख रहे हैं कि कैसे सीड दोबारा से 5800 की रेंज पकड़ता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यहां से बाइंग फिर इनिशिएट होगी या फिर यहां से और बाजार थोड़ा नीचे जाएगा? देखिए, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ से एक करेक्शन बनती हुई जरूर दिख रही है, और वही करेक्शन जो है वो यहाँ पे विटनेस हो रही है कैस्टर के प्राइसेस में। कैस्टर की बात करें तो सपोर्ट जो है इसका डेली चार्ट पे वो देखने को मिल रहा है। फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट का जो सपोर्ट है ये देखने को मिल रहा है 5810 के आसपास। तो जब तक प्राइसेस वहां तक आते हैं चांसेस यही है कि ये डाउन साइड ही मूव करेगा, और वहां से चांसेस हैं कि एक बार वापस अगेन हायर साइड में देखने को मिलेगा, क्योंकि हायर साइड में 6050 के आसपास का रेजिस्टेंस है और वहीं पे कमोडिटी जो है ये रेजिस्टेंस फेस कर रही है। और हमने देखा है कि इससे पहले भी प्राइसेस वहां तक गए थे, लेकिन ऊपर सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि फंडामेंटल जो है वो इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है कि प्राइसेस को फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हायर साइड से सेलिंग देखने को मिल रही है। जी, ये समिति जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने आज 3400 का लेवल टच होते हुए देख लिया है। हालांकि अभी 1% की करेक्शन देखने को मिल रही है और 3300 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, लेकिन 3400 का लेवल टच हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से करेक्शन थोड़ी और ज़्यादा गहराएगी आने वाले कारोबारी सप्ताह में, या फिर जो कीमतें हैं वो 3400 से ही स्टार्ट होंगी ट्रेड होनी? देखिए, कोकुड में पिछली बार भी यही बात हुई थी कि इन लेवल से एक बार करेक्शन जरूर विटनेस हो सकती है, लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से कॉटन प्राइसेस हायर साइड में मूव कर रहे हैं जी, कोकुड भी वहां से एज ले रहा था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आज कॉटन प्राइसेस में भी हमें एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है, और वही सेम जो है वो विटनेस हो रही है कोकुड के प्राइसेस में भी। और चांसेस यहाँ से यही है कि कोकुड प्राइसेस जो है ये 3180 तक करेक्ट हो सकते हैं यहाँ से, और 3180 के बाद फिर अगेन नई बाइंग जो है वो इनिशिएट हो सकती है। जी, ये सर विंदर जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया काफी अच्छा ट्रेड करता नजर आ रहा है, 9400 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रविंदर जी, हमने देखा है कि धनिया में जो धनिया 8200-8300 तक एक सीमित दायरे में स्टक होकर रह गया था, एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था, उसी धनिया में अचानक से काफी अच्छी तेजी आती हुई नजर आई है। आपको क्या लगता है, क्या फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस आए हैं या फिर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बढ़ गई है? देखिए, इसमें जो स्विंग एरिया है वो 60 वो कम होने के एक्सपेक्टेशन है, उसी वजह से प्रोडक्शन जो है वो कम होने की एक्सपेक्टेशन है, इसी वजह से प्राइसेस जो है थोड़े हायर साइड में मूव कर रहे हैं। और डिमांड साइड की बात करें तो डिमांड साइड में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला, इसी वजह से प्राइसेस जो है ये हायर साइड है। इस समय प्राइसेस जो है ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और चांसेस यही है कि प्राइसेस फर्दर हायर साइड ही मूव करेंगे, और जो इसका ऑल टाइम हाई है उसे अप्रोच करेंगे। ऑल टाइम हाई इसके माफ करिएगा एक मिनट जी, अपने प्राइसेस जो है ये इस समय ऑल टाइम हाई की तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, और चांसेस यही लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में 10500-10700 के लेवल जो है ये देखने को मिल सकते हैं इस कमोडिटी में, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो भी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है ट्रेडिंग में, और साथ साथ में फंडामेंटल्स जो है वो भी काफी ज्यादा सपोर्टिव है, इसी वजह से प्राइसेस जो है ये फर्दर हायर साइड मूव कर रहे हैं। जी, यानी कि रविंद्र जी के मुताबिक धनिया की जो प्राइसेस हैं अभी ऑल टाइम हाई के अराउंड
ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, लगभग उसी दायरे में है, उसी रेंज में है, और यहाँ से कीमतें अभी और ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। यानी कि 2022 में जो धनिया है वो काफ़ी अच्छा कारोबार करता नज़र आ सकता है, काफ़ी अच्छा मुनाफा देता हुआ नज़र आ सकता है अभी भी। यहीं से रविंद्र जी देख रहे हैं कि धनिया के साथ साथ जीरे ने भी काफ़ी अच्छा उछाल मारा है। जीरा 16,200 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा था, लेकिन बीते एक से डेढ़ हफ्ते से देख रहे हैं कि जीरे में अचानक से उछाल देखने को मिला है, और अब देख रहे हैं कि जीरा 16,000 के बाद 17,000 के पार जाता नज़र आ चुका है। और बात करें फरवरी वायदा की, तो फरवरी वायदा 18,000 के ऊपर है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या जीरा 18,000 का भी आंकड़ा पार कर पाएगा? देखिए जीरा की बात करें तो जीरा में भी फर्दर बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। इस समय वॉल्यूम्स जो है वो शिफ्ट कर चुके हैं मार्च कॉन्ट्रैक्ट में, तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट में इस समय हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है 18,000 के आसपास का हाई लगाने के बाद 17,950 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है इस कमोडिटी का वो 18,400 के अराउंड है, तो वहां तक तो एक बार प्राइसेस लग रहा है कि टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 18,400 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तभी फर्दर बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 18,400 से सेलिंग विटनेस होती है तो फिर वहां से हमें चांसेस है कि सेलिंग देखने को मिल जाएगी। जी रविंद्र जी, बात करें अगर टर्मेरिक की, तो टर्मेरिक में भी हमने हाल ही में अच्छी तेजी आते हुए देखी है। आपको क्या लगता है, क्या टर्मेरिक के फंडामेंटल्स इतने मजबूत हैं कि हल्दी को और तेजी की ओर लेके जाएं? देखिए टर्मरिक की बात करें, एक तो कोविड की वजह से इसकी डिमांड जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, साथ साथ में इसमें जो दूसरी चीज है एक्सपोर्ट डिमांड जो है, ये न्यू सीजन जो क्रॉप का न्यू सीजन अराइव होगा अभी, उस वजह से एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो इम्प्रूव होने की एक्सपेक्टेशन है। इसी जी इसमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे भी काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस बनती हुई दिख रही हैं, और यहाँ से चांसेस हैं कि प्राइसेस जो हैं ये फर्दर हायर साइड में 11,000 तक के लेवल टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां से हमें करेक्शन देखने को मिल जाएगी। जी यही से रविंद्र जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम और ग्वार सीड में हम देखते हैं कि कभी तो कीमतें 10,900 पर जाती हैं और फिर 11,100 रविंद्र जी, हम लगातार पिछले एक हफ्ते से यही ट्रेंड फॉलो होता हुआ देख रहे हैं ग्वार गम और ग्वार गम के अंदर, और ग्वार सीड भी 6,000 से लेकर ऊपर में 6,100 से फिर 6,200 इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है ये रेंज कब तक और देखने को मिलेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन तो पहले के मुकाबले काफी कम है, तो जब फंडामेंटल्स मजबूत हैं तो फिर ग्वार गम और ग्वासी एक सीमित दायरे में क्यों ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, एक तरफा तेजी क्यों नहीं दर्ज हो रही इनके अंदर? देखिए ग्वार की बात करें तो ग्वार में जो हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है हायर साइड दोनों साइड की, इसका ज्यादा एक रीजन है कि एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो अभी तक उतनी ज्यादा नहीं है, ऑल्दो इसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि प्रोडक्शन जो है वो काफी कम है कंपैरेटिव लास्ट ईयर, और दूसरा इसमें क्रूड के प्राइसेस जो है वो भी काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है उसी तरीके से ग्वार भी वो विटनेस कर रही है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि क्रूड प्राइसेस जो है ये फर्दर हायर साइड की तरफ मूव जी आने वाले है, कि ग्वार प्राइसेस जो है ये फर्दर हायर साइड में ही ब्रेक करेंगे, और डिप मिलता है तो डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करके हम चल सकते हैं। और यहाँ से ग्वार सीड की बात करें तो 5800 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड कर रही है कमोडिटी हायर साइड में, जरूर इसमें अगले हफ्ते से अगले एक दो हफ्ते में हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और प्राइसेस जो है ये हायर साइड में 6600 से 6700 तक मूव कर सकते हैं। वहीं ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम में ऑलरेडी प्राइसेस 11,200 के ऊपर है, ब्रेकआउट ऑलरेडी हमें विटनेस हो चुका है इस कमोडिटी में, उसके बाद में ब्रेकआउट के बाद करेक्शन जरूर ली है इस कमोडिटी ने, अभी चांसेस हैं कि हायर साइड में 12,000 और 12,500 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। जी ये सर रविंद्र जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हम देख रहे हैं कि जो सोयाबीन 6,200-6,300 के बीच में ट्रेड करती नजर आई थी सीमित दायरे में, अब सोयाबीन के अंदर भी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से कुछ हल्की हल्की बढ़त देखने को मिली है, और देख रहे हैं कि 6,390 का हाई भी लग चुका है। आपको क्या लगता है, क्या ये तेजी आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी जारी रहेगी, और क्या सोयाबीन 6,400 के ऊपर भी जाती हुई नजर आ सकती है? देखिए सोयाबीन में अभी फ्रेश पोजीशंस तो एडवाइज नहीं है सेबी की तरफ से, अभी पोजीशंस केयर अप ही कर सकते हैं, इसी वजह से सोयाबीन पे कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। जी रविंद्र जी बात करें यहाँ से अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि
फिजिकल मार्केट में तो डिमांड काफी अच्छी खासी है और फिजिकल की जो कीमतें हैं कॉटन की काफी अट्रैक्टिव हैं, किसानों को इस बार काफी अच्छी कीमतें मिली है। वही वायदा में आपको क्या लगता है, क्या कॉटन 2022 में अच्छा मुनाफा देने वाली है? देखिए कॉटन की बात करें तो कॉटन की रैली जो है ये बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच है और इसका मेन रीजन है कि इसके फंडामेंटल्स जो कि स्लो अराइवल्स हो रहा है इसमें और कंसर्न है कुछ प्रोडक्शन को लेके, उसी वजह से प्राइसेस हायर साइड में मूव कर रहे थे। एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी अच्छी है, इसी वजह से हमने देखा कि प्राइसेस जो है हायर साइड मूव कर रहे हैं। लेकिन अभी रैली बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुकी है, यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलेगी और वही प्रॉफिट बुकिंग हम लास्ट दो से तीन दिन में विटनेस कर रहे हैं और चांसेस यही है कि अगले हफ्ते में अगेन कॉटन प्राइसेस जो है ये काफी अच्छा मुनाफा देते हुए दिखाई देंगे। जी रवि जी, एडिबल ऑयल पैक में आपको क्या लगता है, एडिबल ऑयल्स में आगे जाके कैसा रुझान रह सकता है? देखिए एडिबल ऑयल्स की बात करें तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में ओवरऑल बुलिश पैटर्न्स ही बनते हुए दिख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें जी तो हायर साइड में जरूर चांसेस हैं कि हायर साइड मूव करेंगे, क्योंकि अगर इंटरनेशनल क्रूड पाम ऑयल की बात करें तो हायर साइड में 5200 तक के टारगेट वो ले सकती है जो कि अभी 5000 तक मूव कर रही है और चांसेस ये है कि डोमेस्टिक जो एडिबल ऑयल बैक है ये भी फर्दर हायर साइड मूव करेगा। लेकिन इसमें एक ही मेजर जो कंसर्न है वो है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफी ज्यादा है इसके प्राइसेस को कंट्रोल करने में, तो अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो प्राइसेस जरूर डाउनसाइड मूव करेंगे। जी रवनी जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, वो टॉपिक्स कौन से देना चाहेंगे आप एग्री कम्युनिटीज के जो अगले कारोबारी सप्ताह में भी अच्छा मुनाफा देकर चल सकते हैं? देखिए ग्वार कॉम्प्लेक्स में दोनों काउंटर्स को हम बाय करके चल सकते हैं। ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड में 6400-6500 के टारगेट्स ले सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 6000 के लेवल के नीचे। ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम में भी हायर साइड में 11700-11900 तक के लेवल हम अचीव होते हुए देख सकते हैं और इसमें स्टॉप लॉस जो है वो हमारा 10900 के नीचे का है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसल का वायदा बाजार NCDX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट MCV पर। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।